ये मॉक टेस्ट है, ये सीटेट का जो एग्जाम्पलर है उसको सामने रखकर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन और सिलेबस जो आपका स्टेट टेट और सेंटर का टेट है उसके हिसाब से बनाया गया है। आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, आप खुद को चेक कर सकते हो, दोनों काम होंगे, आपकी सेल्फ इवेल्युएशन भी होगी साथ में आपकी लर्निंग भी होगी। ठीक है, लर्निंग कैसे होगी, अगर मान लीजिए आप ऐसी एक शीट में लिख लीजिए खाली पेज, उस पर क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 1 से 30 तक, और उसके बाद आप जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा आप साथ में टिक करते हो, टिक करने के बाद आपको बाद में पता चलेगा वीडियो के बाद में कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर आपका रॉन्ग है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर आपको रॉन्ग होने का कारण पता चलेगा, जब कारण पता चल जाएगा तो लर्निंग हो जाएगी। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, तो लर्निंग आपकी पक्की हो जाएगी, फर्स्ट आपको री इन्फोर्समेंट मिल जाएगी। इसके साथ में और भी अगर रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी साथ में डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके तैयारी कर लीजिए और क्वेश्चन मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको ये भी बता सकता हूँ फिर साथ में रीड कैसे करना है, अगर आपको स्ट्रेटजी साथ साथ में इंटीग्रेट करनी है वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस आपको जरूर अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम में अगर आपका पेपर पेन टेस्ट है जैसे स्टेट लेवल पर होता है तो आप ये पेन यूज करके ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अगर सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है, तो आप फिंगर को यहाँ जरूर रखें, तब आपको पता चल जाएगा कि डिस पर नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक, हिंदी में है, डैश के अनुसार विकास एक असंतत प्रक्रिया है। किसके अनुसार, प्याजे के वैगोस्की स्किनर हल। ठीक, उधर भी ऑप्शन सेम है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन, ये रहा स्टेम लंबी है थोड़ी क्योंकि इसका वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए पर्सन कम टू पंजाब फ्रॉम तमिलनाडु, वन डे ही टीच हाउ टू मेक डोसा टू फैमिली मेंबर्स इन विच ही इज लिविंग फॉर 1 month। This process of teaching and learning can be categorized as, ठीक, बात याद रखनी है कि ये लंबी स्टेम एग्जाम्पलर जो सीटेट का था उसमें दी गई है, लेकिन हाँ अभी कैसे क्या वो उसको अप्लाई कर पाते हैं ये देखते हैं। एक व्यक्ति तमिलनाडु से पंजाब आते हैं और एक दिन वह जिस परिवार में 1 month के लिए रह रहे हैं उनके सदस्यों को डोसा बनाना सिखाते हैं। शिक्षण और शिक्षण की इस प्रक्रिया को या लर्निंग की इस प्रक्रिया को किस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक इंग्लिश में है, सोशलाइजेशन एंड एकल्चरेशन, इधर आप ये भी देख सकते हैं, ये रहा फर्स्ट, सोशलाइजेशन एंड एकल्चरेशन, यहां पर आप अंडरलाइन करोगे क्योंकि एकल्चरेशन है। दूसरा सोशलाइजेशन एंड एनकल्चरेशन है, तीसरा सोशलाइजेशन है, चौथा एकल्चरेशन। ठीक, हिंदी में है, समाजीकरण और संस्कृतिकरण, समाजीकरण व और संवधरण, समाजीकरण संवधरण, आपने उत्तर देना है। MCQ 3 है, वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इधर भी आगे चल जाते हैं, ये रहा MCQ 3, वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट फोकस्ड टू एग्जामिन डैश कौन क्या, परफॉर्मेंस एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी। दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किस पर केंद्रित है, किसको असेस करता है, प्रदर्शन क्षमता को, अशाब्दिक क्षमता को, मौखिक क्षमता को, मौखिक और अशाब्दिक क्षमता को। ठीक, उत्तर आपने देना है। मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं आप पॉज करके देख सकते हो कि अगर आप सोचना चाहते हो, दो तरह से ये टेस्ट लिया जा सकता है, एक टाइम टेस्ट जिसको स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस टेस्ट में स्पीड टेस्ट इसको बोलते हैं जो जिसमें टाइम लिमिट होती है। ठीक है, जिसमें टाइम लिमिट नहीं होती आप सभी आइटम को ट्राई आउट कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम वैसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी एक क्वेश्चन पर ज्यादा सोचना है सोच सकते हो। ठीक,
फोर्थ क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट कैन बेटर स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट इन लेसर टाइम बाय यूजिंग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। मनोवैज्ञानिक डैश का प्रयोग करके कम से कम समय में बाल विकास का बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। पार अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, सहसंबंधी अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हु एम्फेसाइज चाइल्ड डेवलपमेंट विद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। अब यहां पर आप इसको इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कोलैबोरेटिव को, ठीक। मनोवैज्ञानिक इसका प्रयोग करके कम से नेक्स्ट ये है, इसको बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, चलो भाई चलो, फिफ्थ क्वेश्चन है, सहयोगात्मक प्रयासों से बाल विकास पर कौन जोर देते हैं, जॉन डेवी, प्याजे, थॉर्नडाइक या स्किनर। मिस कौन, ठीक है, आपको ढूंढना है, टाइम आप ज्यादा भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप साथ साथ में भी चल सकते हो, ठीक, रैंडम असेस करके रोक सकते हो। फिफ्थ है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज बेस्ड ऑन इमीडिएट फीडबैक। यहां पर मैं अगर ये प्रश्न कर रहा होता तो यहां पर मैं इसको अंडरलाइन करता। विकास किस प्रकार के मूल्यांकन, तत्काल प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रणाली पर आधारित है। वैसे देखा प्रतिक्रिया इसका फीडबैक का वो नहीं है, आपको जो इंग्लिश का वर्ड रीड कर लेना चाहिए, दैट इज वाई आप हिंदी वाले जहां स्टेट मदर टंग वालों को हिंदी के वर्ड सीखने चाहिए। अगर वो टीईटी यूजीसी नेट कोई भी टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिए, सच में कह रहा हूं, वोकैबुलरी इंक्रीज तो 8-10 नंबर ऐसे ही बढ़ गए। इसका उत्तर है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अगर इसमें आपने अपनी अटेंशन को कॉन्सेंट्रेशन बनानी है, अच्छी थिंकिंग कर सको, तो फॉर को कर सकते हो, ऑफ को, क्योंकि इनमें ही डिफरेंस है, ठीक है। योग इधर हिंदी में है योगात्मक, सीखने के लिए आंकलन, सीखने का आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन, ठीक, इसमें से उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन, इधर हिंदी का भी कर लेते हैं, आगे चल रहे हैं यहां पर, और ये रहा सिक्स क्वेश्चन, टीचर वांट टू डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहां मैं अंडरलाइन क्या करूंगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, अगर मैं एग्जामिनी होता, टेस्टी होता, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ लर्नर, ठीक है, ए टीचर वांट टू डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ लर्नर, ही शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हिंदी में, शिक्षक शिक्षार्थी की भिन्न सोच विकसित करना चाहते हैं, इसके लिए वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए मानकीकृत परीक्षण, ओके, निबंध प्रकार के प्रश्न, बहु विकल्पीय प्रकार के प्रश्न, उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, यहां हिंदी में भी आ गया, ये रहा सेवंथ क्वेश्चन आपका, क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन इन इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली। यहां पर क्या मैं अंडरलाइन करूंगा, आपको थिंकिंग को सपोर्ट दे रहा हूं, ऐसे ही आपने लर्न करना है एग्जाम में, अपनी थिंकिंग को सपोर्ट करना है, जो वाइगोत्स्की प्याजे ने कहा है उसको साथ में क्यों नहीं अप्लाई करते, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरीज है, कॉग्निटिविज्म है, उसको अप्लाई करो साथ साथ में। क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली शुड बी बेस्ड ऑन डैश लेवल ऑफ लर्नर, फिजिकल लेवल ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, अफेक्टिव लेवल ऑफ लर्नर, सोशल लेवल ऑफ लर्नर। सेवंथ क्वेश्चन, माप मानदंड प्राथमिक रूप से, प्राथमिक को मैं करूंगा, शिक्षार्थी के डैश स्तर पर आधारित होने चाहिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या सामाजिक स्तर पर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको टीईटी में, सॉरी मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिया के लिए अच्छे टीचर सेलेक्ट हो,
अगर ये जो सरफेस लेवल पर क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे आपको वही अभी उनको डिफिकल्ट लगता तो ये अच्छे इंडिया का फ्यूचर नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ, एक टेक्निक ये भी है आप साथ साथ में लर्न कर सकते हो कि जब भी आप स्टेम को पढ़ते हो साथ में उसकी इमेज उसका अंदर जो राइट मीनिंग है अपने लेना शुरू कर दो जब इस ये पढ़ने से पहले पहले। अच्छा रेमेडियल टीचिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग करता है समानता का इक्विटी का समान अवसर का व्यक्तिगत मतभेद का। उत्तर आपने देना है। नाइन्थ क्वेश्चन इधर भी चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन नेचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज लीनियर साइक्लिकल फॉर्मल रिजिड सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति है रैखिक चक्रीय औपचारिक कठोर। नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन ये रहा टेंथ, सॉरी, चलो लास्ट है, ओके, कासा दे बम्बानी रेफर्स टू चिल्ड्रंस नंबर एक चिल्ड्रंस हाउस चिल्ड्रन किंडरगार्टन तीसरी ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर ठीक है। कासा देई बम्बिनी का अर्थ है बच्चों का स्कूल बच्चों का घर बाल विहार और अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर। सो ये क्वेश्चन है छोटा सा टाइम कम रखा है नेक्स्ट भी ये पूरा सेट बना रखा है आप इनका उत्तर दीजिए इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सा राइट आंसर है। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है यहां टिक करता हूं डिसकंटिन्यूअस राइट आंसर इज प्याजे प्याजे वाई क्यों क्योंकि प्याजे की स्टेज थ्योरी है वेरी सिंपल जो भी स्टेज थ्योरी है वो ऐसे चलेगी स्टेप में ठीक है जो भी स्टेज थ्योरी है चार स्टेप है यहां तक एक दो तीन चार ठीक तो यहां डिवीजन होती है यहां लॉजिक डेवलप होता है यहां लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है यहां प्री ऑपरेशनल है प्री लॉजिक एरर करता है और यहां पर सेंसरी मोटर है सिर्फ सेंसेस और मोटर एक्शन से वर्ड को अंडरस्टैंड करता है। तो यहां ये डिसकंटिन्यूअस हो जाती है ना ये जो ये यहां पर एरर जो करता है वो यहां डिसकंटिन्यूअस हो जाती है वो यहां जो एबिलिटी है वो ऊपर चली जाती है पिछली को छोड़ देता है ऐसा प्याजे ने कहा है। अगर इस डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का कोई और आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये देखना है स्टेज थ्योरी कौन सी है ठीक जो भी स्टेज थ्योरी होगी स्किनर की लर्निंग थ्योरी है स्टेज की बात ही नहीं है हल की लर्निंग थ्योरी है बिहेवियरिज्म के ये जो लर्निंग थ्योरीज हैं अपना और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है मोस्ट क्रिटिकल यही हो सकते थे लेकिन ये सोशल की है वैगोत्स्की की कोई भी स्टेज थ्योरी नहीं उनको कहा जाता जहां वैगोत्स्की के अनुसार द डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ठीक इससे आप तीन चार उत्तर और बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्सन कम टू पंजाब देखिए फ्रॉम तमिलनाडु ओके डोसा बनाना सिखाया उन्होंने तो ये अब देखिए कुछ लर्न कर रहे हैं दूसरी से दूसरे कल्चर का दूसरी सोसाइटी का तो ये आपने सिर्फ यही पहचान करनी है कि ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है एकल्चरेशन का जहां इधर चल जाते हैं यहां पर डिस्क्राइब करते हैं एकल्चरेशन क्या होती है इसको ओके ये रहा ठीक एकल्चरेशन क्या है अब ये रहा तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल चलो इंडिया का तो ये नक्शा बन गया चलो भाई ठीक तो ये रहे तमिलनाडु के ये रहे पंजाब के और यहाँ ये इनका कोई ऑल कल्चर है हमारा कोई ऑल कल्चर है क्या कल्चर की मैचिंग नहीं होती जब हम किसी और कल्चर की लर्निंग सीखते हैं तो इसे एकल्चरेशन तो जब हम पंजाब के लोग हैं पंजाब की ही लर्निंग नेचुरली सीखते जाते हैं जिसमें हमारा परिवार में जन्म हुआ है
उसे उसे बोलते हैं एनकल्चरेशन, सॉरी एनकल्चरेशन, एन एन जो है इनफॉर्मली हम जहां पल रहे हैं हमारा कल्चर जो अडॉप्ट करते हैं, और एकल्चरेशन जो हम दूसरे का किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसकी कोई भी चीज लर्न करते हैं, उनमें से मैंने एक चीज उठा ली, डोसा उठा लिया, ठीक है। तो पता नहीं कहां कहां आपको की कंफ्यूजन हुई होगी। अब ये बात है कि जब भी कल्चर अपने का लर्न करते हैं जहां किसी दूसरे का लर्न करते हैं, ये हो गया लर्न। तो इस लर्निंग को कहां लिखो, इस लर्निंग को यहां लिखता हूं, इस लर्निंग को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस ही है। सॉरी गड़बड़ होगी भाई। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सोशलाइजेशन तो है, सोशलाइजेशन तीनों में भी है, ठीक है। जहां ये राइट आंसर होना है, या क्योंकि दूसरे कल्चर का है, दैट इज वाई सोशलाइजेशन एंड एंड एकल्चरेशन, दिस इज राइट आंसर। ओके चलिए आगे, नेक्स्ट है, आपने ये मुझे बताना है कि ये मेथड आपको ठीक लगा, कि मैं की प्रोवाइड कर देता साथ में एक्सप्लेन ना कर देता, वो मेथड भी है और भी कई मेथड है, पर मुझे आपने बताना है। थर्ड है आपका वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट फोकस्ड टू एग्जामिन, सबसे पहले है कि वर्ल्ड का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट क्या था। यहाँ हिंदी में भी साफ कर देता हूँ, यहाँ पर हिंदी वाले नाराज ना हो जाए कि हमारा सोचा नहीं जाता, मैं भी बदरटंग में ही पढ़ा हुआ हूँ। ओके फर्स्ट जो टेस्ट था वो बिने का टेस्ट था, ठीक है। बिने का टेस्ट वर्बल इंडिविजुअल था। वर्बल इंडिविजुअल कैसे, कि एक शख्स जो है जिसने टेस्ट लगाना है वो एक क्वेश्चन पूछता है, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, किससे, एग्जामिनी से। जब वो पूछ रहा है और वो उसका उत्तर रिकॉर्ड कर रहा है, इट मींस छोटे बच्चे को इसको पूछने के लिए उसकी लैंग्वेज जरूरी है, ठीक है, लैंग्वेज जरूरी है। उसने कोई कोई ड्राइंग या डिजाइन प्रोवाइड नहीं किए कि इसमें से आपको ढूंढना है, जैसे नॉन वर्बल रेवन्स प्रोग्रेसिव मैसेजेस है वो नॉन वर्बल टेस्ट है, तो भाटियाज बैटरी की बात की है वो परफॉर्मेंस टेस्ट है, वहां पर ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना होता है। यहाँ भाषा में वो पूछता है, भाषा में उत्तर देना है, वो भाषा जिसमें पूछा जा रहा है लर्नर को आनी चाहिए, दैट इज वाई इसको वर्बल टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही इंडिविजुअल पर एक टाइम पर एक जने पर ही लगा सकता है, दैट इज वाई दिस इज नोन एन इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। अगर ग्रुप पर लगा सकता होता तो ये ग्रुप होना था, क्योंकि एक जने के रिस्पॉन्स एक जना ही रिकॉर्ड कर सकता है, दैट इज वाई इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा थर्ड। फोर्थ, साइकोलॉजिस्ट कैन बेटर स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट इन लेसर टाइम, इंपॉर्टेंट है कि लेस टाइम में करनी है। देखिए वैसे तो बेस्ट इसके लिए, जब भी आपने ये रहा आपका फोर्थ, यहां पर जब भी आपने करना है डेवलपमेंटल रिसर्च आती है, तो आपने किसको याद करना है, प्याजे को, ठीक है। प्याजे ने क्या किया था, उसका पहला बच्चा था, ठीक है, उसको ये 14-15 साल तक कंटिन्यू उसको असेस किया। जब एक ही बच्चे को, एक ही सैंपल को, दूसरे बच्चा हुआ दूसरे को किया, तीसरा बच्चा हुआ तीसरा, तीन बच्चों को ऐसे 14-15 साल उसको इवेल्युएट किया कि उनमें थिंकिंग रिलेटेड लॉजिक रिलेटेड कैसे चेंज होता है, तो इसको कहते हैं LONG longitudinal research, ठीक। तो दूसरा है, देखिए कि इसमें कम समय लग रहा है, देखा कम समय वाला डाला था ना, तो दूसरा है कि कुछ बच्चे मैंने इस एज के लिए 2 साल के, फिर अगले 2 साल के कुछ बच्चे ले लिए, 2 साल के या 14 साल के 7 ग्रुप बना लिए, और उनकी थिंकिंग ऐसे कंपेयर की, इनकी इनकी से, इनकी इनकी से, और ये डिफरेंस फाइंड आउट किए उनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है थिंकिंग की। तो ये रिसर्च अगर ऐसे करता तो ये हो जानी थी क्रॉस सेक्शनल,
सेक्शनल रिसर्च, ठीक, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, इन दोनों रिसर्चेज को, इन दोनों रिसर्चेज को डेवलपमेंटल रिसर्च कहा जाता है, डेवलपमेंटल रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अब उत्तर क्या है। ये कौन सा है, ये बोला यहां पर और ये यहां पर, ठीक। क्रॉस सेक्शनल में अब देखिए टाइम बच रहा है ना, एक ही एक साल में या दो सालों में आपने वो कितने इकट्ठे किए अलग अलग एज के सैंपल और आपका टाइम बच गया, तो ये जो आपका राइट आंसर है वो है ये वाला। कहते हैं कि वो सब निशान जरूर लगाइए, ये लगा दिया, ये दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अगर बेटर जो है, मोर फंडामेंटल रिसर्च है, वो लॉन्गिट्यूडनल टेबल पे आगे से है। कोरिलेशनल इज नॉट मेथड ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, इससे नहीं होती। ठीक है, एक्शन रिसर्च से भी आप डेवलपमेंट को स्टडी नहीं करते इंडिविजुअलिटी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु एम्फेसाइज चाइल्ड डेवलपमेंट विद कोलैबोरेटिव एफर्ट। ठीक है, सहयोगात्मक प्रयासों से बाल विकास पर जोर कौन देता है। देखिए, जो सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो तो वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की इसमें डाला ही नहीं गया, वाइगोत्स्की नहीं डाला गया तो आपकी प्रॉब्लम आ गई, ऐसे क्वेश्चन डाले नहीं जाते। तो वाइगोत्स्की नहीं है तो आपने ये देखना है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है इनमें से। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक दो दो डिवीजन है, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। बड़ा करके यहां बता दो, ऐसे करता हूं ये, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, देखिए सी फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म दो तरह का है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, ठीक है, और सोशल, सोशल, सोशल। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के जो मेन थिंकर कौन से हैं, पियाजे, और दूसरे हैं ब्रूनर, मेन बता रहा हूं और भी हैं, और सोशल के हैं मेन वाइगोत्स्की, ठीक है, और तीसरा है हमारे जॉन डीवी। ठीक है, अब इससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके और उत्तर भी सॉल्व हो सकते हैं। वापस चलते हैं यहां पर, कहां थे, ये रहे ये और ये रहा ये। अब इसमें राइट आंसर आपके सामने है, क्लियर है, फिर भी अंडरलाइन कर देता हूं, जॉन डीवी। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज बेस्ड ऑन इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक, अभी बच्चा लर्न कर रहा है, इमीडिएट फीडबैक क्या है कि अभी आपने उस बच्चे को, ये बच्चे ने कोई काम किया और काम करने के साथ साथ ही ये टीचर आया, टीचर ने ये बताया कि बेटा ये जो आपकी है गुड इंफॉर्मेशन है, आप ये सही कर रहे हो, ये थोड़ा गलत कर रहे हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये टाइप ऑफ फीडबैक है, डिफरेंट वीडियो में मैंने बताए हैं, वो प्लीज देख लीजिए, अच्छे हैं, जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, रिश्तों के लिए बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पीटर सीटेट पर और टेक नेट पर ही मत बैठे रहना। तो ये टीचर हैं, टीचर इनको इंफॉर्मेशन जो देता है कि बेटा आपने, फिर इनके पास जाता है, बेटा आपने, जैसे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होता है, इमीडिएट साथ साथ में बता रहे हैं, तो बच्चा ये पॉजिटिव को रिटेन रखता है, नेगेटिव को रिमूव करता है इंफॉर्मेशन को। तो ये प्रोसेस से क्या हो रहा है, उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट किस में होती है, ये जो फीडबैक है, जो इवेल्युएशन कौन सी हुई, फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट को और क्या कहा जाता है, देखते हैं इधर चल के, ये एक ये और ये एक दो। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये सम्मेटिव नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव को याद रखने के लिए मैं एक तरकीब बताता हूं कि असेसमेंट फॉर याद रखना, फॉर मीन फॉर्मेटिव, ये याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी इससे उल्ट या और कुछ है। ठीक, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये सम्मेटिव ही है, इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए, ये वैसे भी आंसर निकल गया, ये भी निकल गया। असेसमेंट एज लर्निंग ये मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस है, अपनी लर्निंग को आप खुद ही कर रहे हो, सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ ये को क्लोजली रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ये वाला, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इमीडिएट फीडबैक। टीचर वांट टू डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको पता है क्रिएटिविटी का बेस है।
एक प्रॉब्लम है उसपे मैनी सोल्यूशन बच्चा निकाल सके, एक आइडिया मैनी आइडियाज दे सके। उसमें हमने किया था फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन है, ये क्रिएटिविटी के फर्दर डायमेंशन है और वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये रहा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से तो कभी हो ही नहीं सकता, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, उससे क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होगी जहाँ असेस होगी, असेस करनी है ना, डेवलप करनी है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस टाइप से नहीं, कन्वर्जेंट ही होती है। कन्वर्जेंट क्या है, आप राइट रिस्पॉन्स पर फोकस कर रहे हो। अभी भी हम राइट रिस्पॉन्स, सारा इंडिया राइट रिस्पॉन्स ढूंढ रहा है तो क्रिएटिव कौन बनेगा क्रिएटिव भी बनना है। चलो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये होता है कि आप अपने ओरिजिनल आइडियाज भी दे सकते हो। आइडियाज की ऑर्गेनाइज करनी, ऑर्गेनाइज करना है आइडियाज को, किसी ऑर्डर में रखना है, किसी अरेंजमेंट में रखना है। वो अरेंजमेंट आपका नया हो सकता है, वो भी क्रिएटिविटी है। आप कितने वर्ड्स आपके पास है, मान लो 500 वर्ड्स हैं, आप उन 500 वर्ड्स के 5 करोड़ से भी ज्यादा सेंटेंस बना सकते हो, वो क्रिएटिविटी है। तो ऐसे टाइप टेस्ट से आइडियाज भी और लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ठीक। ये हो गया सिक्स्थ, और हिंदी में पहले करते हैं मानदंड प्रमाथिक, ये वाला ये रहा, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन इन इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी शुड बी बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें लगता है कि बच्चे के शरीर को शामिल कर दिया क्लास में, स्कूल में ले गए डिसेबल बच्चे को, तो शामिल हो गया। जब तक वो यही फील करता रहा है, उसकी थिंकिंग की आपने पार्टिसिपेशन करा दी, उससे क्वेश्चन पूछ लिए, ये कॉग्निटिव लेवल पर पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। सोशल लेवल पर के उसका इंटरेक्शन करवा दिया दूसरे बच्चों से, मतलब ये यहाँ पर चलते हैं, ये रहा ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनती है। ये मान लीजिए नॉर्मल बच्चे हैं, ये यहाँ पर नॉर्मल बच्चे आ गए ये वाले, ठीक है। ये आ गए डेविएटेड पॉजिटिवली और ये डेविएटेड नेगेटिवली, ठीक है। इन बच्चों को यहां पर इंट्रैक्शन करवा दिया या फिजिकली शामिल करा दिया। अच्छा, जब तक फिजिकली, देखिए आपको शायद उत्तर मिल भी गया होगा, जब तक आप फिजिकली सोशली सब करा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को लग ही नहीं रहा ये मेरा अपना ग्रुप है, मेरा वेलकम हो रहा है, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। जब तक, सबसे ज्यादा ये फीलिंग कब आती है, जब आप अपने बहुत करीबी फ्रेंड के पास बैठे हो, जिसके पास आप अपना दिल देखिए आ गए ना, दिल क्या है, अफेक्टिव, दिल खोल के बात कर सकते हो। सो सबसे पहले फीलिंग, जब तक बच्चा फील नहीं करता कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं, ये मेरा ही ग्रुप है, मीन इमोशनल लेवल पर, मीन अफेक्टिव डोमेन पर सबसे पहले चाहिए, ठीक है। सोशल फिजिकल कॉग्निटिव बाहर रह जाते हैं, ठीक। हाँ, इसके बेटर दो आज क्या आंसर हो सकते हैं ये आपको सोचिए, या नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछिए, मैं इसका आंसर दूंगा अगर क्वेश्चन पूछोगे, ठीक। नेक्स्ट है जी एट्थ, रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग क्या थी, कि कुछ बच्चों को कोई डायग्नोस किया है तो उनको, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के दो बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनकी अलग से क्लास लगा रहे हैं 7 दिनों के लिए, कि मल्टीप्लिकेशन की वो स्किल डेवलप कर ले, ताकि बाकी नॉर्मल के साथ वो आ जाए, जैसे पिछले में भी बात की है, नॉर्मल बच्चों के साथ आ जाए, ठीक है। तो अब ये 7 दिन जो ये यहाँ पर मान लीजिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम में ये बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, और इन बच्चों में से ये दो बच्चों को एक्स्ट्रा 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 हेल्प दी गई ना, इनको नहीं दी गई, इट मीन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इनको एक्स्ट्रा हेल्प पॉजिटिविटी के लिए, ऊपर ले जाने के लिए दी गई है, ऊपर लेके जाना है, किसके ऊपर, इनसे ऊपर नहीं, इनके बराबर करना है, कि नेक्स्ट मैथ की कैलकुलेशन जो है, जो सम करवाने हैं वो करवा सको। तो ये एक्स्ट्रा हेल्प जो एडिशनली किसी को दी जाती है, जिसको बोलते हैं इक्विटी, इक्विटी। सो द आंसर इज क्लियर, ए इक्विटी इज द राइट आंसर, ये रहा मार्क कर लो, ए इक्विटी इज द राइट आंसर, ओके, ये रहा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज क्या है, भी सीधी 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 चलती है उपचारात्मक शिक्षा के साइक्लिकल है, ऐसे ऐसे
ऐसे सबसे पहले क्या है कि आप जो रॉन्ग है उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव पर ज्यादा, फॉर्मेटिव ठीक है, फॉर्मेटिव में फॉर्मेलिटी नहीं होती, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मल नहीं होती ठीक है, तो ये फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल ही रिजिड होती है ठीक है, फॉर्मेटिव जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ठीक। और ये जो सीधी ऐसे नहीं चलती, ये एक बार टेस्ट लिया फिर इम्प्रूवमेंट, फिर टेस्ट इम्प्रूवमेंट, टेस्ट इम्प्रूवमेंट, टेस्ट, तो ये लीनियर प्रोसेस है, सॉरी साइक्लिकल प्रोसेस है, ना कि लीनियर प्रोसेस है, सीधी चलती है, डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखने होते हैं साथ में। कासा दे बमानी रेफर्स टू चिल्ड्रंस, पता ही होगा ये तो आपने, मोंटेसरी ने जो सबसे पहले जो स्कूल खोला था ठीक है, उसका नाम था कासा देई बाम्बिनी, कासा दे बाम्बिनी, जो किंडरगार्टन मैंने ऑप्शन डाल रखी है वो फ्रॉबल की टर्म है ठीक, इसे हमने किंडरगार्टन का वो शायद पता ही होगा अब तक, तो आप लर्न कर चुके होंगे, जो के किंडर और गार्टन, गार्डन एक है उसमें माली टीचर है और उसमें लर्नर जो है वो उसमें प्लांट है, तो ये कंसेप्ट था केजी का। अब सारे वर्ड में केजी वर्ड आपने सुना होगा, तो ये फ्रॉबल का दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता इट मीन्स, है ना, तो सॉरी कासा दी बमानी, आपको सीधी फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर हाँ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जो इन्होंने फ्रॉबल ने स्कूल के साथ जोड़ा था ठीक है, लेकिन मोंटेसरी ने, मारिया मोंटेसरी ने इसको चिल्ड्रंस हाउस ही कहा था, राइट आंसर ये वाला है, चिल्ड्रंस हाउस ठीक, बच्चों का घर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ये हो गया है, आपको कोई भी फीडबैक देनी है नेक्स्ट वीडियो मॉक टेस्ट का इसके बाद ही, जहां आप ऑर्डर कीजिए, जल्दी कर देता हूं, काफी मैंने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो जल्दी कर दूंगा, अगर नहीं डिमांड होगी तो फिर जब टाइम लगेगा, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए। आपको कोई चेंज चाहिए, समझ नहीं आ रही, ये इसका फायदा रहा इस अप्रोच का कि एक्सप्लेनेशन का फायदा है, आपकी टेस्टिंग हो सकी या नहीं ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट के वीडियो आपके लिए टीईटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी इनडेप्थ अप्रोच होती है, ज्यादा डिटेल हो जाती है, अगर आपको लगता है कि कम डिटेल वाले भी वीडियो चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू।